पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर साझा फ्रंट की मीटिंग चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में आयोजित की गई। मीटिंग में बहुत से फैसले लिए गए, बहुत से नए फैसले कर्मचारियों द्वारा यहां पर लिए गए। सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया और अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आइए देखते हैं कर्मचारियों ने क्या फैसले लिए हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर साझा फ्रंट द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक बैठक की गई। उसमें कर्मचारी संघ ने कुछ फैसले किए हैं। क्या है वो फैसले, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 26 की कैबिनेट बैठक में जो है सरकार ने 15% न्यूनतम वृद्धि को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद कर्मचारी वर्ग ने इसका विरोध किया था और उसी विरोध स्वरूप कर्मचारियों की एक बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में आयोजित की गई। कर्मचारियों ने 26 की कैबिनेट में 15% न्यूनतम वृद्धि को सिरे से नकार दिया है। जी हां, कर्मचारियों ने सरकार के जो 15% के न्यूनतम वृद्धि गारंटी जो सरकार देने जा रही थी उसको नकार दिया गया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें 2.72 का, जो भी जितने भी रिवाइज कैटेगरी है उन्हें 2.72 का गुणांक दिया जाए और जो पार्शली रिवाइज कैटेगरीज है उन्हें 2.89 का फैक्टर दिया जाए और जो बिल्कुल ही अनरिवाइज कैटेगरी है उनके लिए संघ ने 3.06 का गुणांक जो है यहां पर सरकार से मांगा है। इसी के साथ साझा फ्रंट ने कहा है कि जो न्यूनतम वृद्धि है वो कम से कम 20% कर्मचारियों को दी जाए। इसके साथ साथ जो संघ द्वारा अन्य मांगी की जा रही है वो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाले, मान भत्ते वाले जो मुलाजिम हैं उनको न्यूनतम रोजगार गारंटी देने का प्रावधान करने वाले और पुरानी पेंशन को सभी कर्मचारियों के लिए जो पंजाब के NPS CPF कर्मचारी हैं उनके लिए लागू करने बारे, ये सारी अन्य मांगे संघ द्वारा सरकार से की जा रही है। इसके साथ साथ जलंधर जिले के शिक्षक जयप्रकाश को, जिन्हें बिना ठोस आधार के बर्खास्त किया गया था, उसकी निंदा करते हुए संघ ने कहा है उनकी बर्खास्तगी को तत्काल रूप से बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा महासंघ द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। आने वाले सप्ताह को 6 सितंबर से 10 सितंबर को काले सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जहां पर पंजाब के समूचे मुलाजिम व पेंशनरों द्वारा काले बिल्ले व काले झंडे दिखाकर पंजाब सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया जाएगा। इसके अलावा 11 सितंबर को एक महारोष रैली का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा, जिसमें लगभग 1,00,000 से ज़्यादा कर्मचारी भाग लेंगे। रोष रैली के बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ सभी कर्मचारी कूच करेंगे तथा मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा साझा फ्रंट द्वारा यहाँ पर ऐलान किया गया है, जहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समूचे पंजाब के कर्मचारी व पेंशनर हैं वो सरकार द्वारा जो नया वेतनमान लागू किया जाना है उससे नाखुश है। इसलिए वो आने वाले सप्ताह को काले सप्ताह के रूप में मनाने वाला है और 11 सितंबर को एक महारैली द्वारा अपना जो रोष सरकार के प्रति प्रकट करने वाला है। अब इसके बाद सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है या किस तरीके से आगे कर्मचारी की मांगों को माना जाता है या इस रोष रैली को किसी तरीके से जो है सरकार बातचीत करके रोकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पंजाब के कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ बहुत ही बड़ा कदम इसे कहा जाएगा, जहां पर 1,00,000 से ज़्यादा कर्मचारी 11 सितंबर को चंडीगढ़ में एक महारोष रैली का आयोजन करने वाले हैं।